एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम दिन के 1 बज गए हैं। आज ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आज ही सी और आशी का लास्ट एग्जाम था, तो वो मैं करवा रही थी इसलिए लेट हो गया। और फिर भी उतना लेट नहीं हुआ जितना कि और टाइम हो जाता है ना, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। जैसे मैं कल उठी थी, इस वजह से लेट हुआ है, लेकिन उतना लेट नहीं हुआ है। पिछली जो इससे पिछला वाला टेस्ट गया ना, उस दिन तो बहुत ही भयंकर वाली हालत हो गई थी। लेकिन अभी टेस्ट इनका अच्छे से, मैंने 11:30 बजे तक मैंने इनका टेस्ट करवा दिया था एग्जाम मतलब। और उसके बाद किचन के जितने भी काम थे, सारे किचन कुचन मैंने क्लीन करा, साफ करा, ब्रेकफास्ट वगैरह करा, नहा गई हूँ मैं। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। दिन का खाना बना रही हूँ मैं, तो दिन के खाने में आज बन रहा है पुलाव। मैं बहुत ही सिंपल सा खाना बना रही हूँ आज पुलाव, क्योंकि 1 बज गए हैं और मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मटर मैंने ले रखी थी, तो मैं सोच रही हूँ मटर छिलके और ये प्याज जो है इनको कट करके मैं पुलाव बना लेती हूँ फटाफट से। तो बस वही मैं बनाने जा रही हूँ। और आज पता क्या हुआ, मैं आपको क्लिप देखूंगी या तो स्टार्टिंग में दिखाऊंगी। बनाई तो मैंने स्टार्टिंग में ही थी, लेकिन देखूंगी या तो स्टार्टिंग में बना दूंगी या फिर मैं उसको इसके बाद ऐड करके आपको दिखाऊंगी। आपको पता है क्या हुआ, जो जो मेरा ये कढ़ाई है ना नॉन स्टिक की, इसके ऊपर का जो लिड नहीं होता है, जो उसका होता है ग्लास का लिड होता है, वो ना पता नहीं कैसे मैंने रात को इसमें बनाया था, भरवा बैगन बनाए थे मैंने। तो मैं हमेशा, क्योंकि मैं इन बर्तनों की बहुत केयर करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से बताया हुआ रहता है उस तरह से मैं तो वॉश भी करती हूँ। मैं इसमें स्क्रबिंग नहीं करती हूँ, इसको जेल से अपने हाथ से या फिर कॉटन कपड़े से मैं इसे वॉश कर देती हूँ। और जो इसका लिड है, और मैं करती हूँ जो ये गर्म रहते हैं ना, तो मैं इनको कभी भी वॉश नहीं करती हूँ। जो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाता है उसके बाद ही मैं इसको वॉश करती हूँ। और रात को मैंने भरवा बैगन बनाए थे, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको जब ठंडा हो गया इसमें वॉश कर दिया। इसके ऊपर का जो लिड था ग्लास का, वो भी मैंने वॉश कर दिया। और मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पर बर्तन रहते हैं, देखो मेरे, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, तो यहाँ पे बर्तन रहते हैं। लेकिन क्या हुआ ना, मैंने जो इसका ग्लास वाला लिड था ना, वो भी मैंने यहाँ से हटा के वहां पे रख दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि जो बर्तन है स्लिप करके नीचे ना गिरे, फिर वो कांच का रहता है कहीं टूट ना जाए ना, तो मैं बहुत ज्यादा इनकी वो करके रखती हूँ कि भाई टूटे ना, और वैसे भी वो कांच का है, तो मैंने वहां रख दिया अच्छे से साफ सुफ करके उसको रख दिया था। और जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ ना, सीधा मैं यहाँ से चाय बना रही हूँ और नजर ना मेरी वहां पर है, और इतनी दूर से मैं दीवार पर देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उसमें ना भाप आ गई है, ऐसा लग रहा था दूर से भाप आ गए। फिर मेरे दिमाग में आया उनका भाप कैसे आ गई, क्योंकि मैंने तो उसको रात को अच्छे से कपड़े साफ करके रखा हुआ है। फिर जब मैं पास गई तो मैंने देखा पूरा, मतलब पूरा क्रैक हो रखा था, एक क्रैक नहीं उसमें पता नहीं, मुझे लग रहा है 100 होंगे क्रैक्स, इतने क्रैक्स थे। उसका लिड जो पकड़ने का होता है वो भी टूटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ, और मेरा इतना मूड खराब हुआ ना सुबह सुबह, मैं वही सोच, अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि टूट कैसे गया। तो सबसे पहले जो नजर जाती ना बच्चों पे जाती है, इन बच्चों ने तोड़ा होगा, लेकिन वो बच्चों के तोड़ने वाली ऐसा है नहीं कि बच्चे तोड़ेंगे। और मैं उसको रख के गई थी, तो आशिक मेरे साथ ही सोने चले गए थे साथ में, तो वो ना अपने आप से पता नहीं कैसे क्रैक हुआ, पूरा समझ नहीं आया। आप लोग का कभी ऐसा हुआ है तो मुझे बताना। फिर मैंने सोनू से ये बोला, सोनू बोले नहीं यार मेरा में हमारा तो, मैंने हम इतना यूज करते भी नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं है, बहुत भयंकर वाली हालत है। मैंने उसको फिर अभी जो कूड़ा लेने आते हैं उनको दे दिया है। वो मुझे इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि ना वो इसके साथ का सेट था ना, इस वजह से वैसे मिल जाता है, लेकिन फिर भी होता है ना कि जब चीज ले रखी है फिर फालतू में पैसे और खर्च करो इसका लिड लेने के लिए, तो पता नहीं क्यों टूटा। तो सुबह सुबह देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। और मैंने अब उसको यहाँ से हटा के ना न्यूज़पेपर में रैप करके फिर पॉलिथीन में उसको रख के तब दिया है कूड़े वाले भैया को, क्योंकि फिर मैं कहीं उनके भी हाथों में ना चुभे ना इसलिए। चलिए बहुत सारी बातें कर ली हैं, और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ तो मुझे बताना, या आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मेरे तो समझ नहीं आ रहा है क्यों हुआ, मेरे पालते हुए कैसे हुए, तो इसलिए। और अभी मैं जा रही हूँ पुलाव बनाने के लिए, तो चलिए पुलाव बनाते हैं। और चलिए पहले पुलाव बनाते हैं, फिर बाकी बात करते हैं, लेट हो जाएगा। तो ये वाला जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल मॉर्निंग का है, जब मैं सो के ही उठी थी, चाय बना रही थी, तो मेरी नज़र इसमें पड़ी। मैं इतनी दूर से इसको इतनी देर से देखती रही कि शायद इसमें पानी का भाप है। फिर मुझे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि भाप कैसे हो जाएगा, मैंने तो रात को इसको कपड़े से वगैरह से पोंछ के यहाँ पे रखा है। तो जब मैं पास में गई, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि ये क्या हुआ। मतलब ये देख के मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये गिर हुआ है, समझ ही नहीं आया। इसके जो पार्टिकल्स थे ना, छोटे छोटे कांच के टुकड़े, वो इसके आसपास गिरे हुए थे वो, और उनको उठाने में भी वो हाथ में चुभ रहे थे। तो मेरी समझ ही नहीं आया ये गिरा तो नहीं है ये, क्योंकि गिरा तो होता तो अलग ही पता चलता, ये पता नहीं खुद ही कैसे चटक गया है। इसके आप देख रहे हो कितने सारे क्रैक्स आ रखे हैं, मतलब देखने में मुझे इतना वो लग रहा था, क्योंकि मैं ना मेरे जो इस ये वाले बर्तन हैं इनको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा
मैंने मतलब जैसे नॉन स्टिक है तो मैं इनको नॉर्मल बर्तनों के साथ भी रखती हूँ, अलग रखती हूँ बिल्कुल। पता नहीं ये कैसे हो गया, समझ ही नहीं आया मुझे तो। मेरा बहुत मतलब सुबह सुबह से देख के ना मूड इतना ख़राब हो गया, लेकिन फिर वही होता है ना कि मूड ख़राब करके फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ जुड़ तो जाएगी नहीं, दूसरी आ ही जाएगी, लेकिन एकदम से देखने के बाद अजीब सा तो होता ही होता है। तो ये मैंने क्लिप इसलिए निकाला क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि आपको दिखानी है, इसलिए नहीं मतलब दिखानी तो है लेकिन इसलिए कि क्या पता ये आप लोग कुछ इसका रीज़न हो तो आप मुझे बता पाओ कि क्यों टूटा है, क्योंकि ये ना बच्चों ने तोड़ा है ना किसी और ने तोड़ा है, ये खुद से ही क्रैक हुआ है इतना तो मुझे पता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाती हूँ, क्या पता आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो या पता हो या आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ हो। तो यहाँ पर बस मैं पुलाव बना रही हूँ अभी, यहाँ पे मैं मटर लेकर आई हूँ छीलने के लिए। मैं भूल गई कि मुझे मटर भी छीलना है। मैं सीधा मैंने प्याज टमाटर वगैरह करके मसाला तो रेडी कर दिया है, और पता नहीं मुझे दिमाग में आ रहा कि कुछ भूल रही हूँ। मैं ये भूल रही थी कि मटर मैंने उसमें डाले ही नहीं है, तो मटर छील देती हूँ फटाफट से। बिल्कुल ध्यान ही नहीं कि मटर भी छीलना है ना, फटाफट मटर छील के मैंने अभी सिम करी हुई है गैस बिल्कुल ना। और आज पता नहीं मेरा ब्लॉग आप लोगों को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मेरा ब्लॉग बना हुआ है लेकिन मैंने उसको एडिट नहीं करा हुआ है क्योंकि मुझे सुबह से टाइम नहीं लगा एडिट करने का, और वो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत ही बड़ा हो रहा है ब्लॉग। तो मैं शायद देखूंगी मैं दो ब्लॉग बना दूँगी, पता नहीं कैसे इतना बड़ा ब्लॉग बन गया और मैं कुछ भी उसको कट नहीं करना चाहती हूँ। तो देखूंगी शायद मैं उस पर दो ब्लॉग बना दूंगी तब आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी शायद से ना। तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कट कितना करना है क्योंकि मैंने अभी एडिट करा ही नहीं है, अभी वो बहुत बड़ा ब्लॉग बना हुआ है। तो देखती हूँ हो गया एडिट तो आज आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर कल आप लोगों को वो ब्लॉग मिलेगा। मतलब मैं चाहती तो हूँ कि आज ही मिल जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाया एडिट तो फिर मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो वाला ब्लॉग ना। और बस पुलाव चढ़ाने के बाद खाना खुना खाने के बाद मतलब मुझे जो आर है वो भी मुझे धोना है आज, तो उसको अच्छे से वॉश करना है, अंदर से भी मुझे उसे वॉश करना है ना, इसलिए फटाफट खाना खाऊंगी। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद आर जो है उसको क्लीन करूंगी मैं। अभी टाइम जो है वो मतलब 3:30 या 4 बजे का हो रहा होगा, क्योंकि लंच करने के बाद मैंने अपना वीडियो जो है वो एडिट करा, अपलोडिंग में लगाया, और उसके बाद आज मुझे आरओ जो है वो साफ़ करना था। काफ़ी दिनों से मतलब मैं देख रही थी इसको, फिर कभी होता है ना कि हाँ करेंगे लेकिन करते नहीं है वाला कुछ हाल हो रहा था। तो लेकिन आज मैंने कहा नहीं मुझे साफ़ करना ही करना है, मैं वही साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो आरसा मैं हटा रही हूँ और इस पानी को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रही हूँ। जितने प्लांट्स हैं वो धूप इतनी तेज़ है कि रोज़ पानी डाल रहे हैं वो तभी भी सूख जा रहे हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में मैं ये पतीले में ले जाके पानी मैंने सारे प्लांट्स को दिया, और थोड़ा सा पानी मैंने लास्ट में रहने दिया क्योंकि उसी पानी से मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कपड़े से पोंछ के साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आप देख रहे हो थोड़ा सा पानी मैंने रहने दिया है, वो इसलिए क्योंकि मैं बाहर का पानी इसमें यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो वैसा नल का पानी होता है उसमें काफ़ी चूना होता है, तो अंदर चूना जमने का वो रहता है। इसलिए तो जो आरओ का पानी था उसी से मैं कॉटन का कपड़ा लिया है, मैंने किचन का ही कपड़ा है ये, बिल्कुल साफ़ कपड़ा, वॉश करा हुआ कपड़ा है ये, तो उसी से मैं पूरे आरओ को अंदर से साफ़ कर रही हूँ। और इस तरह से साफ ना ऐसा नहीं कि मुझे आता है, मम्मी इस तरीके से करती है तो वही मम्मी को देखकर ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए जब तक कि हमें उसकी नॉलेज ना हो। तो मैंने मम्मी को कई बार इस तरह से साफ़ करते हुए देखा है ना, तो इसलिए मैं हिम्मत कर रही हूँ ये करने की, नहीं तो अगर मुझे नहीं पता था मैं नहीं करती, क्योंकि ख़राब हो गया तो आप सबको पता है आरओ ठीक करने में काफ़ी बोलते हैं ना खर्चा आता है। तो मैंने मम्मी को कई बार मतलब देखा है ना साफ़ करते हुए, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और मैंने आरओ के 3 से 4 बार पानी को गिरा गिरा के इसको साफ़ करा है, आप लोगों को नहीं दिखाया है वो, क्योंकि बार बार मैं आप लोगों को दिखाऊँ वीडियो भी लंबा होता है और साथ में इतना सबको ही पता है, क्योंकि बार बार हम कपड़े साफ़ कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आरओ को मैंने पूरा फुल कर दिया फिर मैं पानी गिरा रही हूँ, नहीं, क्योंकि उससे भी पानी बहुत वेस्ट होता है, आप सबको पता है वेस्टेज जो पानी है वो तो गिरता है, बाकी हम भरेंगे वो भी हम वेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। मैंने इसको हाफ़ से भी कम करके पानी को तब जाके मैं इसे गीले कपड़े से अच्छे से साफ करा है, तो 3 से 4 बार पानी मैंने गिरा के इसको साफ करा है। अब मैं इसे बाहर से साफ करूंगी, विम बार से मैंने अच्छे से इसको साफ कर दिया, और जो किचन का कपड़ा है उसी को मैंने वॉश करके अच्छे से बाहर से भी अच्छे से साफ कर दिया। मतलब मैंने पानी नहीं गिरा के साफ करा है, क्योंकि फिर पूरी नीचे पानी नीचे गिरता है फिर बड़ा झंझट सा हो जाता है, इसलिए पहले मैंने इसको विम बार से साफ करा, उसके बाद मैंने इसे कॉटन के कपड़े से ही अच्छे से बाहर से साफ कर दिया। और अभी आप देख रहे हो आरओ चमक
चमक रहा है हमारा। तो ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया, इसकी जो ढक्कन था ऊपर का वो भी मैंने साफ़ कर दिया है, और इसके ऊपर एक एलिफेंट था वो भी मैंने वॉश कर दिया है। तो अभी ये पूरा काम निपट चुका है, इसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गया है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा सा लगता है, देखता है ना कि साफ़ हो गया है। तो बस ये वाला काम आज पूरा फिनिश हो गया है मेरा। टाइम हो चुका है अभी ठीक 6 बज रहे हैं शाम के, और खिड़की वगैरह मैं बंद कर दूँगी, सोना गिर जाए तो खिड़कियाँ बंद करनी है मुझे। शाम के समय ना थोड़ी सी ठंडक है, मतलब हमारे इधर जो ना ठंडक है ना वो सुबह और शाम की है, दिन में बहुत गर्म है। तो वही बात होती है ना, फिर ठंडा गर्म हो जाता है, तबीयत ख़राब होने लग जाती है, इसलिए मैंने कोई एक कुर्ती, गर्म कुर्ती के ऊपर एक स्वेटर और डाली, उसमें मुझे तो ठंडा लगने लग गया है, तो इस वजह से मैंने एक स्वेटर और पहन ली है। और अब मैं जा रही हूँ, खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देती हूँ, और अभी मतलब एक महीने आई थिंक खिड़कियाँ बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा मतलब मौसम ना, तो फिर खिड़की बंद करने की टेंशन नहीं है। फिर ये होता है कि पर्दे वगैरह लगा दो, क्योंकि क्या होता है ना हमारे घर के ये वैसे बाउंड्रीज हमने बड़ी करवा दी है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा अंदर दिखता था वो अजीब सा लगता है, तो हम लोग पर्दे वगैरह लगा देते हैं, दिन भर खुले रहते हैं, शाम के टाइम में समय लगा देते हैं पर्दे, क्योंकि लाइट जलती है, तो इस वजह से बस पर्दे इधर से लगा देती हूँ, उधर से पर्दे लगा देती हूँ मैं। आशी और तिया छत में गए, और आज आशी और तिया के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, एक टेंशन जो है ना हल्की सी कम हो गई है टेंशन, तो अब जब भी खुलेंगे इनके स्कूल ही खुलेंगे, देखते हैं कब खुलते हैं स्कूल, और इस बार स्कूल खुलेंगे तो इनको भेजना पड़ेगा, क्योंकि तो घर में ही, अब आशी 6th में जाएगी, सिया 3rd में जाएगी, तो घर में वो पढ़ाई नहीं हो पाती है जो स्कूल में हो पाती है ना, इसलिए यहाँ पर आपको आवाज़ आ जाएगी। मैंने अपना वीडियो लगा रखा है, तो जब मेरा वीडियो जाता है ना मैं एक बार अपना वीडियो देखती हूँ, पूरा वीडियो देखती हूँ, और उसके बाद में, और कभी कभी तो मैं नीवी देखती हूँ, क्योंकि एडिट कर कभी कर करके इतना बोर हो जाता है ना कि मन नहीं करता है। पर अभी मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, चाय पी थी उसके, और एक दिन सुबह की रोटी थी, तो हस्बैंड ने यहाँ पर तेल लगा के गर्म करके वो खाई, इनको मतलब सरसों के तेल में जैसे होता ना करके अच्छी लगती है। और बस तो किचन वगैरह साफ करती हूँ, और आज मैं डिनर में देखती हूँ बनाती हूँ आलू बोल रहा हूँ, जो मैंने कद्दू नहीं किया था वो वाला कद्दू मैं देखती हूँ बनाती हूँ कैसा बनता है, मेरे से प्याज टमाटर वगैरह डाल के बनाती हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं उसका पूड़ी बना देना, तो देखते हैं पूड़ी बनाऊँगी या फिर मैं रोटी बनाती हूँ, मतलब जैसा भी होगा, लेकिन वो वाला कद्दू मुझे एक बार बनाना था तो मैंने लिया था, और मैं उसको जल्दी इसलिए बना रही हूँ ना कहीं वो फिर अजीब सा बासी ना हो जाए, क्योंकि फ्रेश लिया था मैंने बिल्कुल, इसलिए। तो ये है कद्दू, उसको ना मैंने ऐसे टावल में मतलब वो करके रख दिया था, मुझे लगा ये ना अजीब से वो हो नहीं जाते हैं क्या बोलते हैं अजीब से जाते हैं, तो वैसे ना हो जाने, इसलिए मैं इसको उसमें रखा था टावल में, ताकि ये बिल्कुल फ्रेश रहें, और अभी बिल्कुल बहुत फ्रेश लग रहे हैं, और मेरा इनको बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो इसको बाहर निकाल रही हूँ कि बहुत ठंडे हैं ये, इसलिए तो रूम टेम्परेचर में जाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे ये, ऐसे यहाँ रख देती हूँ। और मैंने पापा से आमचूर भी मंगा लिए, पापा दूध लेने गए हैं, क्योंकि आमचूर ख़त्म था, मैं खट्टा मीठा कद्दू बनाऊंगी ना इसलिए, और ये टावल भी तो ठंडा गया, और अभी मैंने आरओ भी साफ़ करा था, तो आरओ बहुत अच्छे से साफ़ करते थे अंदर से, मतलब जैसे मम्मी करती है ना, तो सेम मैंने वैसे ही करा है, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं आता था, मैं मम्मी को देख देख के ही मुझे आया है, तो उसको अच्छे से मैंने साफ़ कर रहा था, 2-3 बार पानी उस तक निकाल मतलब गिरा दिया था, और वो जो पानी गिर रहा था ना वो मैंने फेंका नहीं है, वो मैंने पौधों को दिया था, उसकी दूध बहुत तेज़ है, कड़ी पानी डाला था, आज भी तो सूख गए, तो पौधों में पानी डाल दिया था मैंने वो वाला, ताकि पानी भी वेस्ट ना हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा भरा हुआ था इसलिए। ना अभी ध्यान आया एकदम से कि धनिया ना ख़त्म है, और अभी उजाला भी है, तो फटाफट तोड़ लेती हूँ, तो फिर ना अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे के बाद फिर धनिया नहीं तोड़ते हैं, तो धनिया की ज़रूरत पड़ेगी कद्दू में, इसलिए फटाफट धनिया तोड़ती हूँ मैं। और अभी ना धनिया थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बीच में बहुत ख़राब हो रखा था ये, आप बर्ड्स की आवाज़ सुन रहे हो कैसे आ रही है, यहाँ बहुत सारी बर्ड्स तरह तरह की आवाज़ें निकाल निकाल के सुनाती हैं संगीत, तो चलिए इतना धनिया काफ़ी होगा, चलते हैं।
यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर दी है, कद्दू मैंने काट दिया है और ये है प्याज जिनको मैंने रफली चॉप करा है, लहसुन को कूट लिया है मैंने क्योंकि इसका पेस्ट मेरे पास नहीं था तो मैंने कूट लिया है, ये है टमाटर और ये है कुछ मसाले जिसमें तेज पत्ता है, जीरा, हींग और मेथी और एक बड़ी इलायची है जिसको मैंने कूट लिया है। और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल भी डाल दिया जी, गर्म हो गया है और सरसों के तेल में वैसे सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती है तो हम लोग सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें जितने मसाले मैंने आपको दिखाए थे ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको हल्का सा पका लेंगे, मतलब जलाएंगे नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं पकाएंगे, जितना पकाते हैं आप सबको पता है उतना ही इसको हल्का सा भून लेंगे मसालों को। और उसके बाद जो मैंने रफली चॉप बोल लो या स्लाइस में कट करे हुए प्याज थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इन प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब इनको सिर्फ सॉफ्ट करना है। और उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें सूखा धनिया और हल्दी पाउडर साथ में लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करूँगी, हल्का सा इनको मतलब प्याज के साथ ही मैं अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद में जो टमाटर मैंने कट करके रखे थे ना वो टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी क्योंकि नमक अभी ऐड नहीं करा है, तो नमक अभी मैं अंदाज से इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्का सा इसको चला लेंगे और इसको ढक कर रख देंगे जब तक कि मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू ना आ जाए, मसाला बहुत अच्छे से पकना जाए, तब तक इसको खूब अच्छे से पकाना है। बीच बीच में इसको चेक भी करते रहना है, ये नहीं कि बस एक बार छोड़ दिया तो दोबारा देखना नहीं है, बीच बीच में इसको चेक करते रहना है, चलाते रहना है। तो यहाँ टमाटर आप देख रहे हो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। तो जो अब मैंने कद्दू कट करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे, बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे और इसको फिर ढक देंगे। ढकने के बाद इसको बीच बीच में चेक करते रहना है कि कद्दू पक रहा है या नहीं पक रहा है। मैं आपको सीधा ही तब दिखा रही हूँ जब कद्दू बिल्कुल पक चुका था, और जब कद्दू बिल्कुल पक जाता है ना उसके बाद ही हमें इसमें खटाई हो या हम लोग गुड़ डाल रहे हों या फिर चीनी डाल रहे हों उसके बाद ही करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चीनी ले ली थी, मेरे पास गुड़ नहीं था, ख़त्म था, तो मैंने चीनी ऐड कर दी थी, आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गर्म मसाला। गरम मसाला भी मैं एंड में ही लास्ट में मतलब इसमें मिलाऊंगी ताकि जो फ्लेवर है ना गरम मसाले का वो इसमें रहे। तो लास्ट में गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करी थी जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई। तो इसको अभी बंद नहीं करना है गैस को, इसको चलाना है अभी, इसको 5-7 मिनट के लिए और पकाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जी कितनी ज़्यादा मतलब देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगी है। इसलिए नहीं कि ये मैंने बनाई है या फिर मुझे आप में से किसी ने बोला कि इसको ट्राई करना, इसलिए कि सच्ची में ये बहुत अच्छी बनी थी। और ये कद्दू की सब्जी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब कद्दू की सब्जी का अपना स्वाद होता है और इस वाली सब्जी का कुछ अपना सा स्वाद होता है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी बनी हुई थी सच्ची में। तो ये सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है, इसमें मैंने धनिया वगैरह सब कुछ डाल दिया था और उसके बाद यहाँ पर मैं पूड़ी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूड़ी बनाऊँगी या फिर रोटी बनाऊँगी, लेकिन ये सब्जी देखने के बाद मुझे ऐसे दिमाग में आया कि इसके साथ तो पूड़ी ही अच्छी लगेगी, तो मैंने पूड़ी बनाई इसके साथ। और पूड़ी और ये सब्जी इसके अलावा इसके साथ कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, खट्टा मीठा ये सब्जी बनी थी कद्दू की, बहुत अच्छी बनी थी, बार बार बोलूँगी। तो थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे बताया कि आप इस सब्जी को ट्राई करना, बहुत अच्छी लगी है, नेक्स्ट टाइम मैं इसे ज़रूर बनाऊँगी, मम्मी को भी खिलाऊँगी क्योंकि इस टाइम पर मम्मी घर पर नहीं थी, तो जब मम्मी आएँगी तो मम्मी को भी एक बार बना के मैं ज़रूर ये खिलाऊँगी। और तो यहाँ पर सारी की सारी पूड़ियाँ मैं बना लूँगी उसके बाद हम इसे खाएँगे। और यहाँ पर मैंने लगा दी है प्लेट, तो ये है वही कद्दू की सब्जी जो लंबे वाले कद्दू होते हैं और साथ में यह है पूड़ी। और चलिए अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।